नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज। बिहार की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना सामने आ रही है, जो कि नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुधवार रात डीडीयू जंक्शन पटना रेल मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बिहार के रघुनाथपुर स्टेशन के समीप ट्रेन की एक बोगी पलट गई है, जबकि 5 पटरी पर से उतर चुकी है। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुधवार रात डीडीयू जंक्शन पटना रेल मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बिहार के रघुनाथपुर स्टेशन के समीप ट्रेन की एक बोगी पलट गई है, जबकि 5 बोगी जो है कि वो पटरी पर से उतर गई है। बक्सर डीएम अंशुर अग्रवाल के अनुसार 70 से अधिक यात्री घायल हुए हैं, लेकिन अभी कुछ देर में पता चली है कि 200 से भी ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं और सभी को अस्पताल भेजा जा रहा है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। इधर 4 यात्रियों की मौत की भी खबर अभी तक आ चुकी है। वहीं रेलवे की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार मेडिकल टीम और अधिकारियों के साथ साथ दुर्घटना राहत यौन घटना स्थल पर पहुंच चुका है। दानापुर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से बचाव दल घटना स्थल पर पहुंच चुका है। ग्रामीणों के सहयोग से राहत बचाव का कार्य जारी है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डीडीयू जंक्शन से 2 घंटे की देरी से रात 9:15 बजे घटना के लिए रवाना हुई थी। ट्रेन 9:30 बजे बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन पर पार्क कर रही थी कि 4 ऐसी बोगी एक एक कर पलटी हो गई। दर्जनों ट्रेनों जहां तहां खड़ी हो गई। यात्री में खिंच पुकार मच गई। सूचना से रेल प्रशासन में खलबली मच गई। प्रशासन द्वारा सभी निजी अस्पतालों के से अनुरोध किया जा रहा है कि सभी अपने अपने डॉक्टरों को तैनात रखें और पीडीयू जंक्शन से भी राहत बचाव दल घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहेंगे। आगे की जानकारी हम वहां पे पहुंच करके देने वाले हैं। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।